यार डैड की लाइफ में भी उतने ही चेंजेस आते हैं जितने मतलब मॉम के आते हैं. मॉम की डेफिनेटली एफर्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डैड से काफी ज्यादा होती हैं. एंड ऑब्वियसली बच्चों के साथ इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है, नाइट शिफ्ट्स चल रही है हमारी. मेरी है बहुत लाइफ डिफरेंट हो जाती है एक्चुअली. बच्चों के आने के बाद एवरीथिंग इज रिवॉल्व्स अराउंड देम ओनली. सो या बट इट्स अ वेरी वेरी ब्लिसफुल एक्सपीरियंस. यार डैड की लाइफ में भी उतने ही चेंजेस आते हैं जितने मतलब मॉम के आते हैं. मॉम की डेफिनेटली एफर्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डैड से काफ़ी ज़्यादा होती हैं. बट एट द सेम टाइम डैड भी उतनी ही मेहनत करते हैं, वो ये बताएंगी. सो बट एज इन वी आर लविंग इट. थोड़ा भी बाहर आते हैं, अभी पेरेंट्स के साथ हैं और बच्चे, तो थोड़ा भी बाहर आते तो मिस करते हैं, तो जल्दी भागने का मन करता, तो अभी यहीं से सीधा जाएंगे बच्चों के पास. सो या सी डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगी. हाँ डेफिनेटली मदरहुड अपने आप में एक जर्नी है एंड ईजी नहीं है. एंड स्पेशली हमारे तो ट्विंस हैं तो डबल धमाल है, तो वही घर में डबल धमाल होता रहता है पूरे टाइम. सो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है. दो बच्चे हैं जो कि पूरी पूरी तरह से इस फेज में तो कम्प्लीटली आप पे डिपेंडेंट हैं. सो यू नो इसलिए इसको डिफिकल्ट नहीं कहूँगी. आई मीन आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर देम. हाँ थोड़ा थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बट उसके लिए ये है ही इज़ बिन देयर फॉर मी. ऑब्वियसली पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के लिए सबसे पहले इवन बिफोर द किड्स ही वॉज देयर फॉर मी यू नो टू सपोर्ट मी. एंड ऑब्वियसली बच्चों के साथ इनकी नाइट ड्यूटी चल रही है, नाइट शिफ्ट्स चल रही हैं हमारी. मेरी है. यू नो बर्थडे बॉय को क्या कुछ कहना चाहेंगे, बर्थडे विशेस क्या कुछ आप लोग देना चाहेंगे? यार पलाश को बहुत सालों से जानता हूँ, खासकर मैं 20 साल से ऊपर हो गए उसको जानते हुए. बट हैप्पी बर्थडे टू हिम. बहुत ही अच्छा इंसान है, डाउन टू अर्थ है, आज भी वैसा ही है जैसे 20 साल पहले था. तो ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहने में अच्छा लगता है और मज़ा आता है. सो लॉट्स ऑफ लव टू हिम. लॉट्स ऑफ लव पलाश ऑलवेज एंड स्टे द सेम. अभी यार मैं एक काम कर रहा हूँ, एक चीज़ पे, एक राइटिंग पे. अभी एक फिल्म ख़त्म की थी अनंत महादेवन सर की, उसमें हम दोनों साथ में ही हैं बट अलग अलग किरदार प्ले कर रहे हैं. साथ साथ मतलब फिल्म साथ में कर रहे हैं मगर साथ में नहीं है वैसे. तो वो एक फिल्म आने वाली है और एक और मलयालम फिल्म की है जो आई थिंक 2 महीने के अंदर बाहर आएगी. सो अभी के लिए ये है. सो यस. पता नहीं यार, मुझे पता नहीं चलता, ये इतना समझ में नहीं आता. कभी कभी पता भी नहीं चलता, कभी लगता है कि सोचते हैं, कभी लगता है नहीं सोचते हैं. तो आई डोंट नो एक्चुअली. यार लाइक दे लव अस, वी लव देम. इट्स बिकॉज ऑफ देम दैट वी आर हियर टुडे. सो लॉट्स ऑफ लव टू देम, ऑल ऑफ यू. थैंक यू. नहीं नहीं फैंस के लिए तो ऑब्वियसली दे आर लाइक फैमिली. जितना प्यार वो देते हैं थ्रू एवरी फेज ऑफ लाइफ एंड जितना लव वो देते हैं, आई मीन इट्स अन इनकम्पेयर, मतलब कि यू कैन नॉट, इट्स बियॉन्ड यू नो इवन वर्ड्स. एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल योर लव एंड ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट. थैंक यू. फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे.